सो हेलो गाइस, आज हम आए हुए हैं GMV हुंडई। हुंडई की कार्स बेस्ट प्राइस पे लेने के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हमारे सामने हुंडई आई ट्वेंटी में आपको 4 लेंस मिल जाते हैं, जो कि है मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल। आज हम देखने वाले हैं हुंडई आई20 का स्पोर्ट्स वेरियंट। स्पोर्ट्स वेरियंट का डेली में एक्सन प्राइस 7.93 लाख रुपीज़ और इसका डेली में ओनर प्राइस 8.96 लाख रुपीज़। सो वो कदम स्टार्ट करते हैं कीज से। स्पोर्ट्स वेरियंट में आपको फ्लिप कीज देखने को मिल जाएंगी। कीज आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है और जो कीज के ऊपर आपको क्रोम फिनिश भी दी गई है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है हुंडई का लोगो एंड की के दूसरी साइड आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बटन लॉक के बटन्स के दौरान आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी दी गई है और सेकंड की यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल दी गई है। एंड अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, आपको यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं, काफ़ी एग्रेसिव डिजाइन लैंग भी दी गई आपको हुंडई आई20 में। यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाती है ग्लोस ब्लैक ग्रिल आपको यहाँ पे काफ़ी शार्प डिजाइन में दी गई है और फ्रंट ग्रिल आपको काफ़ी बड़े साइज में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हुंडई का लोगो एंड सेकंड ग्रिल आपको यहाँ पे काफ़ी मिनिमल साइज़ की दी गई है, काफ़ी स्मॉल फॉर्म फैक्टर मिलती है आपको सेकंड ग्रिल। ऑल्सो फ्रंट बम्पर के नीचे आपको यहाँ पे स्प्लिटर भी देखने को मिल जाता है, ग्लोस ब्लैक फिनिश में स्प्लिटर देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड अब हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको ब्लैक टेबल मिल जाएंगे और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी ब्लैक टेबल दिए गए। हेडलैम्प्स भी आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाते हैं और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे फॉग लैंप्स, बट यहाँ पे फॉग लैंप्स आपको प्रोजेक्टर पे दिए गए। फॉग लैंप्स के अंदर आपको हैलोजन लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। ऑल्सो फॉग लैंप्स के अराउंड भी आपको यहाँ पे ग्लोस ब्लैक फिनिश दी गई है और फॉग लैंप्स के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे LED बेस्ड DRLs। एंड नाउ दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ हुंडई आई20। साइड प्रोफाइल से भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक्स मिल जाते हैं हुंडई आई20 के, काफ़ी शार्प डिजाइन लैंग भी दी गई आपको हुंडई आई20 में। और अब व्हील्स की बात की जाए, आपको हुंडई आई20 में स्टील रिम देखने को मिल जाते हैं। ये दिखने में तो एलॉय जैसे दिखते हैं बट ये रियलिटी में स्टील रिम्स है, फेक एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में। इनका डिज़ाइन आपको एलॉय व्हील्स जैसे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे व्हील्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं 195/55 R16 के टायर्स। और साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर ग्लोस ब्लैक स्कर्टिंग भी दी गई है, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको ओरियम से मिल जाएंगे, ओरियम से आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं और डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर दिए गए। और साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर क्रोम विंडो गार्निश भी दी गई है। एंड बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो बैक प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसे लुक्स मिल जाते हैं, बैक प्रोफाइल से भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक मिल जाती है हुंडई आई20। एंड टेल लाइट्स की बात की जाए तो आपको आई20 में LED बेस्ड टेल लाइट्स मिल जाती हैं, जेड शेड मिलती है आपको टेल लाइट्स और टेल लैंप्स आपको स्प्लिट टाइप देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट डिफेक्टिव दी गई हैं। एंड टेल लैंप्स के नीचे आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी दी गई है और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आई20 की बैजिंग। एंड रियर बम्पर के ऊपर आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो रियर बम्पर के नीचे आपको यहाँ पर डिफ्यूज़र भी दिया गया, फेक डिफ्यूज़र देखने को मिल जाता है आई20 में और यह डिफ्यूज़र आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश में दिया गया। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा हुंडई का लोगो और यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैजिंग दी गई है। एंड रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको डीप होगा मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको वाइपर नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे आपको मिलता है हाइड्रोप लैम्प और रूफ के ऊपर आपको शार्प एंड एंटीना मिल जाता है। सो चलिए अब देख लेते हैं आई20 की बूट स्पेस। सो ना बूट स्पेस है 311 लीटर्स, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिल जाती है हुंडई आई20 में और ये बूट आपको डी पे देखने को मिलती है। सो यहाँ पे लोडिंग के टाइम आपको थोड़ी सी पावर का यूज़ करना पड़ेगा और बूट के दोनों साइड्स आपको होप्स भी दिए गए। ऑल्सो बूट में आपको पार्सल ट्रे भी दी गई है। एंड स्पेयर व्हील की बात की जाए तो आपको यहाँ पे स्टील रिम देखने को मिल जाएगा, स्पेयर व्हील आपको लोअर साइज़ का देखने को मिल जाता है जो आपको मैग्ना ब्रांड में दिया गया। और यहाँ पे बूट के ऊपर आपको मिल जाएगी प्लास्टिक इंसुलेशन एंड यहाँ पे बूट क्लोज करने के लिए स्पेस भी दिया गया। सो चलिए अब देख लेते हैं हुंडई आई20 का इंटीरियर। सो आपको आई20 में ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। एंड अब डोर पे देखिए कंट्रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे अपने ओरियम्स के कंट्रोल, ओरियम्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको लोक अनलॉक बटन एंड यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे और पावर विंडोज़ मिल जाते हैं आई20 में विद ड्राइवर्स हेड ऑटो डाउन फीचर, यहाँ पे आपको ऑटो का फीचर नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा चाइल्ड लॉक बटन और यहाँ पर डोर क्लोज करने के लिए स्पेस दिया गया, बट डोर पैनल्स आपको हार्ड प्लास्टिक मिलते हैं और डोर हैंडल्स आपको ब्लैक फिनिश मिल जाएंगे। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे बोटल होल्डर एंड पॉकेट्स और यहाँ पे स्पीकर दिया गया। एंड यहाँ पे ड्राइवर साइड आपको मिल जाएगा हेडलैम्प लाइटिंग स्विच और नीचे आपको फुट रेस्ट भी मिल जाता है। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो आपको हुंडई आई20 में फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी दी गई है। और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों टाइप एडजस्ट मिल जाता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स और राइट साइड आपको MID एंड क्रूज कंट्रोल बटन मिल जाते हैं। एंड क्लस्टर की बात की जाए तो आपको आई20 में डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, बीच में MID और राइट साइड आपको टैकोमीटर दिया गया है।
MID में आप देख सकते हैं फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे आपको टायर प्रेशर दिया गया है एंड यहाँ पे आपको सभी सेटिंग्स मिल जाती हैं। सेटिंग्स में आपको मिल जाएंगी लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल एंड यहाँ पे आपको अदर फीचर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे मेन मेन्यू में आपको मिल जाएंगे फ्यूल इकोनॉमी, एक्युमुलेटेड इन्फो और यहाँ पे आपको ड्राइव इन्फो दी गई है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल और राइट साइड आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। स्पोर्ट्स वैन में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। एंड अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो आपको i20 में 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, रेडियो, USB एंड AUX और स्मार्ट कनेक्टिविटी में आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। गाड़ी में आपको टोटल 4 स्पीकर्स दिए गए विद 2 ट्विटर्स और जो टच स्क्रीन के साथ आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है ट्रैक चेंज करने के लिए नॉब और राइट साइड आपको वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया और यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रैक्स के बटन और यहाँ पे आपको सेटअप दिया गया एंड राइट साइड आपको मिल जाएंगे रेडियो, मीडिया एंड फेवरेट्स। सेटिंग्स की बात की तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल सेटिंग्स, वाईफाई, व्हीकल। जनरल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं वर्जन इन्फो, सिस्टम इन्फो, ब्लूटूथ, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड और डिस्प्ले में आपको मिल जाएंगे डिमिंग, ब्राइटनेस, ब्लू लाइट, स्क्रीन सेवर, होम स्क्रीन। काफ़ी फीचर मिल जाता है आपको इन्फोटेनमेंट। व्हीकल में आप देख पाएंगे क्लाइमेट इन्फो और यहाँ पे आपको साउंड मिल जाते हैं और यहाँ पे मेन मेन्यू में आपको मिल जाएंगे फ़ोन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैनुअल, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, सेटिंग्स एंड यहाँ पे आपको DRM का फीचर भी दिया गया है। और इन्फोटेनमेंट के अराउंड आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाएगी और यहाँ AC एंड्स के बीच में आपको मिल जाएगा हज़ार लैम्प बटन और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको Hyundai i20 में। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे फैन स्पीड, राइट साइड आपको टेम्परेचर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ नीचे आपको मिल जाते हैं मोड्स के कंट्रोल। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिफॉगर और यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एयर सर्कुलेशन दिया गया है और यहाँ सेंटर कंसोल में आपको मिल जाएंगे USB पोर्ट और यहाँ पे आपको 12 सॉकेट दिया गया है एंड यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा फ़ोन रखने के लिए कंपार्टमेंट। काफ़ी बड़े साइज़ का स्पेस दिया गया आपको Hyundai i20 में। एंड अब ट्रांसमिशन की बात की जाए तो आपको i20 में 5 स्पीड मैनुअल मिल जाता है। ऑल्सो आपको i20 में IVT एंड DCT का भी ऑप्शन दिया गया। सो चलिए अब देख लेते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी। नॉर्मल क्वालिटी में जाती है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की और एक गाइडलाइंस आपको अडेप्टी दी गई है और यहाँ सेंटर कंसोल में आपको मिल जाएगा 2 कप होल्डर्स एंड आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है विद अ ग्लोज ब्लैक टिप एंड फ्रंट बेंचेस के आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाएगा। आर्म रेस्ट आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है और आर्म रेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्टोरेज मिल जाती है। एंड आपको i20 में मैनुअल डिमिंग AM दिया गया और रूफ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 2 रेडिंग लैंप्स। लैंप्स आपको हेलोजन बेस्ट मिल जाते हैं और जो रूफ में आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है एंड कोड रेड साइड वैनिटी मिरर दिया गया और सनवाइजर इतना ब्लॉक करता है साइड विंडो को, ऑलमोस्ट 1/3 विंडो को छोड़ देता है सनवाइजर और रूफ में आपको नॉन फोल्डिंग रेड बेस मिल जाती है बट ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा एंड ग्लोव बॉक्स कंपार्टमेंट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का कंपार्टमेंट मिल जाता है। मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे इजीली आ जाएंगी और ये आपको और एक ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड मिल जाता है। सो बॉटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 1 लीटर के बॉटल आराम से रख सकते हैं एंड फ्रंट सीट्स के एडजस्ट एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर सीट 8वें एंड को ड्राइवर सीट आपको 6वें एडजस्टेबल मिल जाती है और आपको स्पोर्ट्स वेयर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर सीट की हाइट। सो चलिए अब देख लेते हैं रियर सीट कम्फर्ट एंड अब रियर डोर पर देखें फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अपनी जगह पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, ब्लैक डोर हैंडल्स दिए गए हैं, नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। एंड अब देख लेते हैं Hyundai i20 का कैबिन स्पेस। काफ़ी बढ़िया कैबिन स्पेस देखने को मिल जाता है आपको i20 में। आगे की ड्राइवर सीट में रेट के हिसाब से एडजस्टेड है मेरा रेट 510। लेग रूम एंड नी रूम आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा और जो थाई सपोर्ट भी यहाँ पे डिसेंट दिया गया है एंड रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस भी मिल जाएगा और नीचे आपको एक USB पोर्ट भी मिल जाता है जो कि इल्यूमिनेटेड दिया गया एंड रूफ में आपको यहाँ पे रेडिंग लैंप मिल जाएगा, हेलोजन रेस्ट मिल जाते हैं रेडिंग लैंप एंड यहाँ पे आपको नॉन फोल्डिंग रेड रेस्ट मिल जाएंगी। तो रियर सीट्स के हेडरेस्ट इंटीग्रेटेड है, बेंच फोल्डिंग मिल जाती है आपको रियर सीट्स। सो चलिए अब देख लेते हैं Hyundai i20 का इंजन में। सो आपको इसमें मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 82 BHP पावर एंड 150 Nm ऑफ टॉर्क। ऑल्सो आपको Hyundai i20 में टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन भी ऑफर किए गए बट आपको यहाँ पे बोनट इंसुलेटेड नहीं दिया गया। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं आप एंड चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।